असलकम वरम्बर होप यू आर फाइन एट योर होम ओपन युवर टेक्स्ट बुक जनरल साइंस क्लास एटथ चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर इन प्रीवियस लेक्चर्स वी द डुट फोर्स सो अटेज सब टॉपिक इज नॉन कन्टेक्ट फोर्सेस अ फोस विच कैन भी एगजड बाई अन अबजेक्ट आन एन अदर अब इवन फ्राम अ डिस्टन्स विदाउ अट टचिंग एच अदर इज़ कॉल्ड अन कन्टेक्ट फोस दर इज अजिकल कन्टेक्ट बिवीन दौजेट विच एक्गज दस एंड दौजेक्ट आन विच फोस इज एगजिड द एक्गजाम्पल नान कन्टेक्ट फोसिज आर मैगनीटिक फस एलैक्ट्रोसिटेटिक फर्स एंड ग्रविटेशनल फोस आज का जो हमारा सब टापिक है नान कन्टेक्ट फोस वो फोर्स जो एग्ज एक एक ऑब्जेक्ट पे एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे एग्ज फोर्स करता है लेकिन फ्रॉम ए डिस्टेंस एक डिस्टेंस से वो एग्ज़ कर फोर्स करते हैं यानी कि विदाउट टचिंग ईच अदर एक दूसरे को टच करने के बग़ैर इसको नॉन कंटेक्ट फोर्स कहते हैं यहाँ पे कोई फिज़िकल कंटेक्ट नहीं होता है दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो एग्ज़र्ट करते हैं फोर्स एक दूसरे पे एग्जांपल्स हैं नॉन कंटेक्ट फोर्सेस के मैग्नेटिक फोर्स है इलेक्ट्रोसिटेटिक फोर्स हैं ग्रेविटेशनल फोर्स हैं अगर हम एक एक करके आ, डिस्कस करेंगे पहले हम मैग्नेटिक फोर्स की बात करेंगे मैग्नेटिक जो मैग्नेट अट्रैक्ट करता है चीज़ों को जो आयरन से बने हुए होते हैं जैसे कि स्टील अगर हम एक मैग्नेट इनको एक मैग्नेट हम बिल्कुल नज़दीक रखेंगे आयरन नेल्स के या पिनस के या मैग्नेटिक और मैग्नेट पुल कर देता है इन चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है जो आयरन नेल्स हैं या पिनज हैं वो मूव करते हैं मैग्नेट की तरफ इसका मतलब है जो मैग्नेट हैं ये एग्जर्ट करता है एक फोर्स उन पे जो फोर्स एग्जर्ट करता है मैग्नेट magnet, इसको मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करता है डिस्टेंस डिस्टेंस से यानी दूरी दूर से ही एग्जर्ट फोर्स करता है मैग्नेट एग्जर्ट करता है एक मैग्नेटिक फोर्स चीज़ों पर जो आयरन से बने हुए होते हैं स्टील से बने हुए होते हैं या निकल हैं या कोबाल्ट हैं इट डज़ नाट एग्जर्ट ए फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ कॉपर वुड और गिलास जो चीज़ें बनी हुई होते हैं वुड से गिलास से उन पर एग्ज़र्ट फोर्स नहीं करता है अगर हम मैग्नेट को धीरे धीरे स्लोली हम इनको आयरन पिनज़ के नज़दीक लाएंगे एट सटन स्मॉल डिस्टेंस द आयरन पिनज सडनली जंप, जो आयरन पिनज हैं वो अचानक जंप कर देते हैं मैग्नेट की तरफ और स्टिक हो जाते हैं इस पर वन द मैगनेट हैज़ नॉट टचड इवन जबकि मैगनट उनको टच करने के बगैर ही वो इन पर स्टिक हो जाते हैं ये पिनज सिंस ए मैगनेट कैन एग्जर्ट इट मैगनीटिक फोस आन आयरन ऑब्जेक्टस फ्राम अ डिस्टेंस इवन विदाउट टचिंग दम देयर फोर मैगनीटिक फोर्स इज़ ए नान कन्टेक्ट फोरस मैगनीटिक फोर्स जो हैं ये नान कन्टेक्ट नान कन्टेक्ट फोरस हैं मैगनीटिक फोर्स बिटवी मैगनीट एंड एन आयरन आर स्टील ऑब्जेक्ट इज़ेज डेट ऑफ अट्रैक्शन मैगनीट जो है ये एग्जट मैगनीटिक फोर्स करता है दूसरे मैगनीटिक मैगनेट पर जब हम इसको नज़दीक रखते हैं यानी मैग्नेटिक फोर्स जो हैं बिटवीन टू मैग्नेट्स अगर हम एक दूसरे के नज़दीक रखेंगे तो वहाँ पे अट्रैक्शन होती, है होती हैं या रिपेल्शन होती हैं डिपेंडिंग होता है विच पोल्स ऑफ द टू मैग्नेट्स आर फेसिंग वन एन अंदर ये इस पर दरमदार रखते हैं कि कौन कौन से पोल्स हम एक दूसरे के नज़दीक एक दूसरे के आमने सामने रखते हैं मैग्नेटिक uh, फोर्स जो हैं टू मैग्नेटिक टू मैग्नेट्स जब हम एक दूसरे के नज़दीक रखते हैं ये उस पर डिपेंड हैं यानी कि अगर हम एक मैग्नेट के नॉर्थ पोल को दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ पोल के सामने रखेंगे यानी ये लाइक पोलस हो गए तो ये दोनों लाइक पोलस ये रिपेल करेंगे अगर साउथ पोल दूसरे साउथ पोल के सामने रखेंगे यानी लाइक पोल हैं तो ये दोनों लाइक पोल जो हैं ये रिपल्शन करेंगे अगर अनलाइक पोल होंगे तो वो अट्रैक्शन करेंगे इन नेक्स्ट वी विल डिस्कस द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोल थैंक्स